वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जैसा कि मैं पहले भी जो है क्वेश्चंस पेपर जो केवी स्कूल के स्टूडेंट हैं क्लास नाइन्थ के क्लास जो बाकी प्रीवियस जो छोटी क्लासेस हैं उनके भी मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आपको प्लेलिस्ट के अंदर क्लास नाइन्थ का जो प्लेलिस्ट का चैनल है जिसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको सभी, उसमें P1, P2, P3 फाइनल सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चनों के अंदर मैंने सोल्यूशन नहीं बताए हुए हैं यदि, क्योंकि ये नॉर्मल है सभी बच्चों को मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं कि किस तरह क्वेश्चन क्या पैटर्न है वो मैं आपको जो इसमें अपलोड कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास जितने भी मटेरियल मिला है वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम से पहले इसको जो है ज़रूर देख लेना है ताकि आपके लिए काफ़ी बेनी फिट आपको मिल सकते हैं। इसके अंदर जो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश सभी वीडियो आपको मैंने जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मेरे मिल जाएंगे, तो आपको उसको जरूर एग्जाम से पहले आपको देख लेना है। चलिए इसको भी जो है आपको ये जो है स्क्रीनशॉट लेते जाना है या पॉज करके आपको जो है इसको वीडियो को देख लेना है और उस क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर उस क्वेश्चन से आपको आंसर्स देने हैं। यदि किसी में डाउट है तो आप भेज भी सकते हैं। चलिए पहला जो है इसके अंदर जो है इंग्लिश का है और ये फाइनल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है केंद्रीय विद्यालय का, आप देख सकते हैं 2023-24 सेट ए नंबर है ये, आप देख लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो है यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको जो है रीडिंग करना है, इससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपको जो है इसमें पूछे जाते हैं। दो पैसेज आएंगे 20 मार्क्स के हैं, तो ये पैसेज आप जो है इसको आप देख लीजिए और इसमें 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट्स को जो है पूरे आप पढ़ लीजिए आप। इसके बाद इसका जो है सातवां जो है इसको भी आप देख सकते हैं, अब समझ में आ रहा होगा। जैसे ये एनिमल्स है, इसके बाद ये बिहेवियर है, ये एजुकेशन है, ये भी एजुकेशन लिखा हुआ है, तो इसको जो है आपने ये पेपर थोड़ा सा ये है इसको आप जो है इसको नोट कर लीजिए। इसके रिलेटेड इसी बेस पे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। EFGH इन क्वेश्चंस को आपको जो है जवाब देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है पैसेज गिवेन है, ये पैसेज इसमें भी 6 पॉइंट जो है गिवेन है, इनको जो है आप 1 by 1 जो है इनको रीड कर लीजिए। आपको जो है शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है पूरा क्वेश्चन पेपर मैं समाप्त कर दूंगा कि किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाते हैं, नहीं तो आपको आइडिया तो मिल ही जाएगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर FG मैगजीन जो है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। इसके बाद ये ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन आपको इस पेज के अंदर मिल जाएंगे, तो ये आपने जो है आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, जैसे ये लुक एट द न्यूज़पेपर हेडिंग गिवेन एंड देन यूज द इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्लीट न्यूज़ इनटू द बिलियन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये सब आपको जो है भरना है। उसके बाद डायलॉग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है ये आपको देख लेना है। उसके बाद एरर एंड करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इसमें इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, उसका सही क्या होगा वो भरना है आपको। फिर अप्रोप्रिएट ऑप्शन वाज लगेगा कि वर लगेगा ये भरना है आपको, तो आपको टेंसेस भी तैयार होनी चाहिए आपके। इसके बाद वही सेम एरर, इसके बाद ये इसमें भी क्या एरर है इसके अंदर, एन की जगह में क्या होगा, तो इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है, यहाँ पर देखना एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन, कि इसमें कोई ना कोई इसमें गलत है और उसका सही जो है आंसर इसमें दिया हुआ है, तो उसको जो है चूज़ करना है, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये देख लीजिए आप। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द डायलॉग एंड कंप्लीट द ब्लैंक बाय गिवन बिलो, इस तरह डायलॉग दिए हुए हैं, तो इसके बाद इसको जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन
बिलो, तो ए और बी में एक ही कम जो करना है इसमें, ये जो है द्रौपदी मुर्मू के बारे में है, इसमें दिया हुआ है इसका बायो स्केच, इसको हमने इसके अंदर नोट्स बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द प्लेस अंडमान निकोबार यूजिंग द हिंट, अंडमान निकोबार के बारे में पैराग्राफ लिखना है, ये हिंट्स जो है इसमें यूज करनी है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन ऑफ ए ऑफ द, ये इमेजिन दैट यू आर द सक्सेसफुल स्पोर्टमैन क्वाइट, ये सब लिखना है इसके अंदर। राइट एंड डायरी एंट्री, तो डायरी एंट्री आपको ध्यान रखना है, डायरी एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, डायरी एंट्री आपको पढ़ के रखना है, 100 से 150 शब्दों में आपको डायरी एंट्री लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी लिखना है, इसमें कुछ इसका दिया हुआ है, आगे स्टोरी जो है आपको समझ के आगे जो है अपने शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर देखिए लिटरेचर है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू, टू एक्सेप्ट दिए रहते हैं और एक हमें जो है अटेम्प्ट करना है, तो आप ये बुक, इसमें बुक रीडिंग जो है मस्ट रिक्वायर्ड है, जो बच्चा बुक रीडिंग करता है उसे क्वेश्चन जो है वो उसे ये पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप आंसर्स दे देगा। फिर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बी नंबर का जो पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेट वन एनी वन ऑफ द इन्फ्लुएंस अबाउट द मार्गी बुक फ्रॉम द गिवन कॉन्टेस्ट, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद अटेंड एनी टू एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद आंसर एनी फोर द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन पेपर सभी ये बेनिफिट जरूर काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।